Hello everybody, I am Akriti Kothala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800 2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800 2007, bolted connections, and in welded connections we've discussed its advantages and disadvantages, types of welds, weld effects, types of fillet welds, fillet weld terminology, longitudinal transverse and intermittent fillet welds, design of fillet welds along with its numerical problems, and design of plug and slot welds along with its numerical problems. We've discussed butt welds in the previous lecture. In today's lecture we'll continue to discuss how to design butt welds. So let's start. The design strength of the groove weld in tension और compression is governed by yield. तो ये बहुत important है कि जब भी हम butt welds की बात करते हैं तो butt welds हम कैसे design करेंगे? Butt welds हम yield के basis पे design करेंगे, उनकी yield strength हम consider करेंगे. जब हम fillet welds design करते थे तो आपको याद होगा कि हम FU consider करते थे, ultimate tensile strength consider करते थे. But यहाँ पे हम क्या consider करेंगे? Yield strength consider करेंगे. एक और चीज कि यहाँ पे slightly different होता है method tension और compression के design के लिए और shear के design के लिए. So let's start. Where DTW, that is design strength of groove weld, is equal to Fy into Lw into Tt upon gamma Mw. अब यहाँ पे Fy क्या है? Fy जो है वो parent metal का yield stress और वेल्ड मेटल का जो यील्ड स्ट्रेस है उसमें से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे? एफ वाई कंसिडर कर लेंगे. सो आई कैन सिंपली राइट दैट एफ वाई विल बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस एफ वाई ऑफ द वेल्ड मेटल. तो मेटल की बात हो रही है वेल्ड के, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एफ वाई डब्ल्यू, या फिर आपका जो पेरेंट मेटल है इसको मैं P लिख सकती हूँ या M लिख सकती हूँ सिंपली. तो इनमें से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी आपने वो कंसिडर करनी है Fy के लिए, तो वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Lw इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये जनरली हमारा डिजाइन पैरामीटर होता है. थ्रोट थिकनेस कैसे आएगी? थ्रोट थिकनेस का हमने देखा था, अगर तो कंप्लीट पेनिट्रेशन है तो थ्रोट थिकनेस विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, और अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए इट विल बी इक्वल टू 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट. सो ये कंप्लीट पेनिट्रेशन के लिए है और नीचे वाला फॉर्मूला इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा है. फिर बात आती है गामा एम डब्ल्यू की. गामा एम डब्ल्यू क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर विच इज इक्वल टू 1.25 फॉर शॉप वेल्डिंग एंड 1.5 फॉर साइट वेल्डिंग. सो ये तो होगी कि आप टेंशन और कंप्रेशन में कैसे डिज़ाइन करेंगे. सिंपली आपने जो फॉर्मूला हम फिलेट वेल्ड के लिए यूज़ करते थे वैसा ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ आप क्या यूज़ कर रहे हैं? डायरेक्टली एफ वाई यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे हम एफ यू नहीं यूज़ कर रहे. फिलेट वेल्ड के केस में मैं FU/√3 यूज़ करती थी, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं? एफ वाई यूज़ कर रहे हैं टेंशन और कंप्रेशन के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन की. पर जब मैं शेयर की बात करती हूँ तो शेयर के केस में वो बोलता है कि जो VDW, V क्या है? शेयर डिनोट कर रहा है, DW क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड. उस केस में हम FYW1 यूज करेंगे. सो FYW1 क्या है? FYW1 इज इक्वल टू FyW, मतलब वेल्ड मेटल का जो यील्ड स्ट्रेस है उसको हम √3 से डिवाइड करेंगे, या फिर Fy जो भी प्लेट का है उसको आप √3 से डिवाइड करेंगे. इनमें से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी वो हम यूज करेंगे. तो मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ VDW इज इक्वल टू FY1. FY1 या FYW1 का मतलब है कि आपने जो भी इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है पेरेंट मेटल और वेल्ड मेटल में से वो आपने कंसिडर कर ली है, इनटू LW, LW इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, इनटू TT, TT इज द थ्रोट थिकनेस, डिवाइडेड बाय √3 गामा एम W। तो लिखने के दो तरीके हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला अभी भी क्या है, सेम है। तो मैं इसे F/W1 के बजाय सिर्फ क्या लिख रही हूँ, Fy लिख रही हूँ। क्लियर। तो इसमें मैंने क्या किया है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप दोनों जगह √3 से डिवाइड कर रहे हैं और उसे चेक कर रहे हैं कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली वेल्ड मेटल का यील्ड स्ट्रेंथ देखें और पेरेंट मेटल का यील्ड स्ट्रेंथ देखें और उनमें से जो भी स्मॉलर है उसे कंसिडर करें। तो दोनों फॉर्मूला जो स्ट्रेस है, टेंशन है और कंप्रेशन है और जो शेयर है, उनमें किसका डिफरेंस है, सिर्फ √3 का डिफरेंस है, जो कि फिलेट वेल्ड में नहीं होता था। फिलेट वेल्ड में हम सेम फॉर्मूला यूज कर लेते थे। सो इट इज रिटन F/W1 is equal to the shear stress of weld, that is F/W by √3 and the parent metal, और इसमें से जो भी क्या होगा स्मॉलर होगा। गामा MW अगेन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर शॉप वेल्डिंग है तो 1.25 हो जाएगा, अगर साइट वेल्डिंग है तो 1.5 हो जाएगा। और थ्रोट थिकनेस की वैल्यू शेयर के केस के लिए भी यही रहेगी, अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन है तो throat thickness will be equal to T minimum, और अगर incomplete penetration है तो throat thickness will be equal to 5/8 T minimum। So ये सब चीजें सेम है, just √3 जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। शेयर के केस में आप √3 से डिवाइड करेंगे और टेंशन और कंप्रेशन के केस में √3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो डिजाइन प्रोसीजर देखते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ द ग्रूव वेल्ड, design calculations are not required as the weld strength of the joint is equal to the strength of the member connected। मतलब जैसे हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आपकी complete penetration है तो हम जो strength है या stress है आपके groove weld का, उसको किसके equal ले लेंगे, parent metal के equal ले लेंगे। पर अगर incomplete penetration है तो उस केस में तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज कंप्यूटेड, आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कंप्यूट करनी होगी। रिक्वायर्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज डिटरमिन्ड टू फर्निश द स्ट्रेंथ इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स कनेक्टेड। तो हमने ये कैलकुलेशन करनी है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो हम डिसाइड करेंगे कि आपके पास किस टाइप का स्ट्रेस है। अगर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर शेयर स्ट्रेस है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लेट्स practice a numerical based on it। A joint is subjected to a factored shear force of 300 kilonewton. Assuming a single V groove weld joint, find the effective length of the weld if the thickness of thinner plate is 8 mm. Assume Fe 410 grade plates and shop weld। तो simply यहाँ पे मुझे क्या क्या given है, मुझे given है कि load कितना है, फैक्टर्ड लोड। अभी याद रखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फैक्टर्ड लोड। अगर आपको फैक्टर्ड लोड ना देके उन्होंने सिर्फ शेयर फोर्स लिखा होता तो आपको 1.5 से उसको मल्टीप्लाई करना था ताकि आप फैक्टराइज कर सके अपने उस लोड को। सो यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें फैक्टर्ड लोड दे रखा है। फिर हमें बोला गया है सिंगल वी ग्रूव जॉइंट। तो सिंगल वी ग्रूव जॉइंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी क्लास में किया था कि सिंगल वी ग्रूव जॉइंट मीन्स इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो ये कैसा वेल्ड है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन वाला वेल्ड है। फिर हमें क्वेश्चन सिर्फ थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट दे रहा है, तो क्वेश्चन ने मुझे डायरेक्टली टी मिनिमम की वैल्यू दे दी है। तो टी मिनिमम इज इक्वल टू 8 mm। हमें नहीं पता कि दूसरी प्लेट कितनी थिक है तो हम टी मिनिमम से ही यूज करेंगे क्योंकि सारे कैलकुलेशन में हम टी मिनिमम ही यूज करते हैं। फिर हमें दिया गया है कि शॉप वेल्ड है, शॉप वेल्ड है तो मतलब गामा MW विल बी इक्वल टू 1.25 और साथ में मुझे Fe 410 दे दिया है ग्रेड। तो Fe 410 का मतलब है Fu की वैल्यू कितनी है, 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो ये हमें ध्यान रखना है कि जो 410 है वो Fu होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और Fy कितनी हो जाती है इसके लिए, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो ये सारी डिटेल्स मुझे दे रखी हैं। साथ में मुझे एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल दे रखी है कि ये कैसा फोर्स है, ये शेयर फोर्स है। तो मैं P की जगह बजाय क्या लिख सकती हूँ, P की बजाय मैं V लिख सकती हूँ क्योंकि फोर्स कैसी है, शेयर फोर्स। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि शेयर फोर्स है कि टेंसाइल फोर्स है, क्योंकि बट वेल्ड के लिए फॉर्मूले डिफरेंट है। और यहाँ पे ये ग्रूव वेल्ड जो इंडिकेशन है ये बता रहा है कि हम क्या डिज़ाइन करेंगे, बट वेल्ड डिज़ाइन करेंगे। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए हम थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो थ्रोट थिकनेस विल बी इक्वल टू 5/8t मिनिमम। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन कैसी है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 5/8 इंटू टी मिनिमम, टी मिनिमम इज अगेन 8, सो मेरे पास आता है 5 mm। तो थ्रोट थिकनेस कितनी हो गई है मेरे पास, 5 mm। तो ये सिंपल था। अब हमने क्या करना है, शेयर के लिए डिजाइन करना है। तो फॉर शेयर हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है VDW इज इक्वल टू LW इंटू FY इंटू TT अपॉन गामा MW। अब यहाँ पे FY क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं तो मैं यहाँ पे √3 इंक्लूड कर सकती हूँ, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको इस तरीके से याद रखें क्योंकि ईजी हो जाता है कैलकुलेशन में शेयर और टेंशन या कंप्रेशन के केस में डिफ्रेंशिएट करना। अगर हम दूसरे तरीके से याद करें कि Fy इज इक्वल टू FyW/√3 तो हम भूल भी सकते हैं। सो Fy क्या होगा, Fy होगा वेल्ड मेटल या फिर जो पेरेंट मेटल है उसके बीच में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है। क्योंकि हमें वेल्ड मेटल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो मैं Fy की वैल्यू किसके इक्वल मान लूंगी, 250 Nm के इक्वल मान लूंगी। अब हमें VDW दे रखा है, VDW कितना है, VDW इज इक्वल टू 300 kN। तो आई कैन राइट 300 इंटू 10⁵ न्यूटन। थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमने अभी 5 mm के इक्वल कैलकुलेट करी। गामा MW हमें शॉप वेल्ड दे रखा था तो इज इक्वल टू 1.25। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज मुझे मिल रहा है 300 इंटू 10⁵ is equal to LW into 250 into 5 upon √3 into 1.25। तो ये प्लीज ध्यान रखें कि मैंने 300 kN को न्यूटन्स में कन्वर्ट कर लिया है तभी मेरी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे अननोन क्या है और डिजाइन पैरामीटर क्या है हमारे लिए, LW। सो LW की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 520 mm। सो जो वेल लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 520 mm। ये इफेक्टिव वेल लेंथ है। इफेक्टिव में अगर हम 2s ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, ओवरऑल वेल लेंथ मिल जाएगी। तो ओवरऑल वेल लेंथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू LW + 2s। सो दैट इज इक्वल टू 520 + 2 into S, S was S is equal to the size of the well। तो यहाँ पे important है, अगर आपको clause 10.5.2.4 याद है तो उसमें लिखा गया था कि size of the well जो है वो effective throat thickness के equal हो जाएगा। तो मैं simply क्या लिख सकती हूँ, S is equal to 5 mm, क्योंकि throat thickness कितनी है, 5 mm। तो यहाँ पे अब मैं इसे multiply कर सकती हूँ by 5 which is equal to 530 मिलीमीटर्स। तो आपका जो टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ आ रहा है वेल्ड का वो कितना आ रहा है, 530 मिलीमीटर्स। सो दिस कंक्लूड्स द डिज़ाइन। जो हमें पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट किया कर दिया है, हमें इफेक्टिव लेंथ ही पूछी गई थी, हमने इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर दी। लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बट वेल्ड्स। सो टू प्लेट्स ऑफ थिकनेसेस 12 mm एंड 10 mm आर टू बी जॉइंड बाय अ ग्रूव वेल्ड। The joint is subjected to a factored tensile force of 250 kN, assuming an effective length of 150 mm. Check the safety for the joint, or safety of the joint for single V groove weld and double V groove weld. Assume Fe 410 and shop welding. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बहुत सारा डेटा दे रखा है। सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि ग्रूव वेल्ड बन रहा है, मतलब बट वेल्ड बन रहा है। फिर हमें बोलता है कि आपके पास दो प्लेट्स हैं जिनकी थिकनेसेस 12 mm और 10 mm है। सो आई कैन मेक अ फिगर, ये हमारी 12 mm वाली प्लेट होगी एंड अज्यूम करते हैं कि ये हमारी 10 mm वाली प्लेट हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड करा है, एक वेल्ड प्रोवाइड कर रखा है। कैसा वेल्ड, फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो सिंगल वी ग्रूव बिल्ड है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल वी ग्रूव बिल्ड। अब सिंगल वी ग्रूव बिल्ड से मुझे क्या पता चल रहा है कि पेनिट्रेशन कैसी होगी, पेनिट्रेशन विल बी इनकम्प्लीट। और हमें दिया है कि टेंसाइल फोर्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको क्या दे दिया है, किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं हम, टेंशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो अब हम फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, टेंशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एक फैक्टर्ड लोड आपको दे दिया है डिजाइन के लिए TDW, अगर मैं बोलूँ तो दैट इज इक्वल टू 250 किलो न्यूटन। साथ में हमें क्या दे देता है, साथ में हमें इफेक्टिव लेंथ भी दे देता है। तो जनरली हम क्या करते थे, हम इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते थे, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे इफेक्टिव लेंथ भी दे दी है सिंगल वी ग्रूव वेल्ड की, कि दैट इज इक्वल टू 150 mm, और कहता है चेक द सेफ्टी ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगी, मैं चेक करूंगी कि ये जो लेंथ मैंने प्रोवाइड करी है वो इस लोड को सस्टेन कर सकती है कि सस्टेन नहीं कर सकती, मतलब ये जॉइंट सेफ है कि अनसेफ है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टी मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, टी मिनिमम विल बी इक्वल टू 10 mm, क्योंकि 12 और 10 mm में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 10 mm की वैल्यू छोटी है। हमें दे रखी है शॉप वेल्डिंग, तो शॉप वेल्डिंग मीन्स कि गामा एम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1.25। फिर हमें ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है Fe 410, विच मीन्स कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है आपकी प्लेट की वो कितनी हो जाएगी, 250 Nm/mm²। सो ये सारा डेटा हमने अपने क्वेश्चन से डिटर्मिन कर लिया है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। सो आई कैन राइट TT इज इक्वल टू 5/8 T मिनिमम, क्योंकि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। तो 5/8 T मिनिमम, इसको अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें सो दैट विल बी इक्वल टू 5/8 × 10। सो हमारे पास वैल्यू आती है 8.75 mm। तो ये हमारे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की वैल्यू है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ की। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं टेंशन के लिए, क्योंकि फोर्स कैसी है, टेंसाइल फोर्स है, तो फॉर्मूला होता है TDW is equal to Fy into Lw into Tt upon gamma Mw। तो ये फॉर्मूला है। अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अननोन रखूंगी। मैं ये कैलकुलेट करती हूँ कि अगर मैं 150 mm की Lw प्रोवाइड करती हूँ तो मेरे पास TDW कितना आएगा। सो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अननोन किया और मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करी हूँ। तो Fy विल बी इक्वल टू 250, क्योंकि वेल्ड मेटल का तो मुझे कुछ नहीं बताया गया है, तो पेरेंट मेटल को ही मैं क्या मान लूँगी, मिनिमम मान लूँगी। तो 250 इंटू Lw, Lw है 150 mm, थ्रोट थिकनेस हमने कैलकुलेट करी 8.75 mm, एंड गामा एम डब्ल्यू, गामा एम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1.25, क्योंकि शॉप वेल्डिंग है। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 187,500, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो मैं लिख सकती हूँ TDW डैश, इसे हम बोल देते हैं TDW डैश, विच इज इक्वल टू 187.5 किलो न्यूटन। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ये जॉइंट है, सिंगल वी ग्रूव जॉइंट, सिर्फ कितनी फोर्स रेजिस्ट कर सकता है, 187.5 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर सकता है, अगर आपने LW क्या करा है, फिक्स कर दिया है 150 पे। पर हमें तो कितनी रेजिस्ट करानी थी, 250 रेजिस्ट करानी थी। तो दिस इज लेस देन 250 किलो न्यूटन, इसलिए मेरा जो जॉइंट है वो कैसा है, अनसेफ जॉइंट है। ये इस पर्टिकुलर जॉइंट हमारे 250 किलो न्यूटन के लोड को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज एन अनसेफ जॉइंट। हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कमेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द जॉइंट, तो हमने चेक किया और ये कैसा निकला, अनसेफ निकला। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सेकंड केस पे जाएंगे। सेकंड केस है डबल वी ग्रूव जॉइंट। डबल वी ग्रूव जॉइंट में हमें कैसी फोर्स के लिए डिजाइन करना है, टेंसाइल फोर्स के लिए डिजाइन करना है। हमें पता है जब भी आपके पास डबल वी ग्रूव जॉइंट है तो पेनिट्रेशन कैसी हो जाएगी, कंप्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगी। ये डेटा हमने क्वेश्चन से उठा लिया है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कंप्लीट पेनिट्रेशन के लिए किसके इक्वल हो जाती है? इट इज इक्वल टू टी मिनिमम विच इज इक्वल टू 10 mm। सो मैं लिख सकती हूँ टी टी इज इक्वल टू 10 mm। तो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की वैल्यू आ गई। अब डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो डिजाइन का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, टी डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ वाई इंटू एल डब्ल्यू इंटू थ्रोट थिकनेस डिवाइडेड बाय गामा एम डब्ल्यू। तो क्योंकि हम टेंसाइल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो मुझे √3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे अभी भी क्या बोलती हूँ, टी डी डब्ल्यू डैश, या इसको हम डबल डैश बोल देते हैं क्योंकि ये ग्रूव जॉइंट डबल भी ग्रूव जॉइंट है तो इसको मैंने डबल डैश बोल दिया। हम कंसिडर करेंगे कि 150 mm लेंथ के लिए जो हमारा ये जॉइंट है वो कितना लोड रेजिस्ट कर सकता है। सो एफ वाई इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एल डब्ल्यू वॉज 150, टी टी इज इक्वल टू 10 mm, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 1.25 से क्योंकि शॉक वेल्ड है। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 3000000। तो ये आ गया हमारे पास 300 किलो न्यूटन। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि ये जॉइंट कितनी लोड रेजिस्ट करेगा, ये करेगा 300 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट। और हमने कितना करवाना था, हमने करवाना था 250 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट। तो ऑब्वियसली अगर 300 का कर सकता है तो 250 का तो कर ही देगा। तो दिस जॉइंट इज सेफ। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉमेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द जॉइंट। सो इन दिस लेक्चर we discussed numericals based on groove joint, how to design it. So it was a short lecture containing all the important numericals on groove joint or butt joint. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.